भाई समर्स में विंटर्स की तरह जैकेट पहन के आप स्टड नहीं दिख सकते, लेकिन आप समर्स में एक चीज जरूर कर सकते हो, वो है कि आप ऊपर एक शर्ट पहन सकते हो, उससे आप बहुत स्मार्ट दिखोगे और एक्चुअली ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप्स फॉलो करोगे तो। वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट, मैं हूं सैम कालरा और आज के समर फैशन सीरीज एपिसोड में हम देखेंगे कि लेयरिंग कैसे करते हैं एक शर्ट के साथ। यार मैं आपको ना सिर्फ रैंडम 5 शर्ट के लिंक देके नहीं छोड़ दूंगा, मैं आपको इस वीडियो में ऐसा समझा दूंगा कि आपके घर में आपके पास जो शर्ट पड़ी हो, आपको ऑनलाइन में जो शर्ट लेनी कोई भी शॉर्ट के साथ आप लेयरिंग कर पाओगे अपने साथ। सबसे पहली बात, लेयरिंग होती क्या है? यार लेयरिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा पहनना, मतलब जैकेट पहनने को भी लेयरिंग कहते हैं, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनने को भी लेयरिंग कहते हैं और समर्स में टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनने को भी लेयरिंग कहते हैं। बट हाँ ये थोड़ा ज्यादा है, ये कभी मत करना। आप देखते हैं कि आपको लेयरिंग क्यों करनी चाहिए। यार लेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्टाइल्स है, मतलब कि आप इसको कहीं भी पहन सकते हो, कॉलेज में, पार्टीज पे, डेट्स पे, कहीं भी पहन सकते हो, बस हाँ एकदम फॉर्मल जगह पे नहीं पहन सकते। लेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप स्किनी हो तो ये आपको थोड़ा कम स्किनी दिखाता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ये एक बल्क ऐड कर देता है, और अगर आप फैट हो तो भी आपको ये कम फैट दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपने अगर ऊपर शर्ट पहनी होगी तो आपके अंदर के जो टायर है, वो जो साइड से निकले पड़े हैं, वो सब नहीं दिखेंगे। और क्योंकि लेयरिंग में आप एक शर्ट पहन रहे हो तो बिल्कुल जैकेट की तरह सेम फंडा है कि ऊपर कॉलर वाले एरिया में आपकी वॉल्यूम ऐड होती है आपकी बॉडी में, तो आप थोड़े से और मैनली लगते हो। एक और बहुत बड़ा फायदा लेयरिंग का ये है कि यार आपके पैसे बचते हैं, मतलब कोई भी शर्ट जो आप किसी और जगह पहनने वाले थे उसको आप लेयरिंग करके एकदम अलग टाइप का फैशन बना सकते हो। कोई न्यू शर्ट भी खरीदने की जरूरत नहीं है यार, अपने पापा या बड़े भाई की कोई शर्ट ले लो और उसको आप लेयरिंग से एकदम डिफरेंट आउटफिट बना सकते हो, हर दिन एकदम अलग अलग हो गया। वैसे चैनल पे पैसे बचा के अच्छे दिखने के ही टिप्स होते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। एक और फायदा ये है कि अगर आप बाहर हो और थोड़ा सा चिली हो जाता है और आपको थोड़ी सी ठंड लगती है, मे बी बहुत रात को, या फिर आप अंदर हो और एसी बहुत तेज चल रहा है, तो आप इसके बटन्स बंद कर सकते हो और थोड़ी सी आप ठंड से बच जाओ। भाई नेक्स्ट आते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है लेयरिंग करते हुए। यार जो आपके ऊपर की शर्ट होगी ना, उसका फैब्रिक बहुत ज्यादा ब्रीदेबल होना चाहिए, मतलब कि पतला होना चाहिए, उसके थ्रू एयर पास कर पाए, जैसे लिनन, रेयन, सिल्क, ये बहुत बेटर है कॉटन और पॉलिएस्टर पहनने से, तो इससे ना आपको गर्मी बहुत कम लगेगी। एक और पॉइंट गर्मी कम करने के लिए ये है कि जो आप अंदर वाली टी शर्ट पहनोगे वो भी बहुत पतली होनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जॉकी टाइप के किसी ब्रांड से ले लो ताकि वो पतली भी हो, क्योंकि वो वैसे भी उसका पर्पस बनियान होना ही है, लेकिन उसका कॉलर सही होना चाहिए एकदम। फिटिंग उसकी आप थोड़ी सी ज्यादा फिटेड ले सकते हो, क्योंकि आपकी साइड से तो दिखने नहीं वाला कि कैसी फिटिंग है, सिर्फ यहाँ से दिखने वाला है, बट हाँ अगेन कॉलर एकदम सॉलिड होना चाहिए उसका, ऐसा हिलता डुलता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप अंदर टी शर्ट पहनोगे उसके ऊपर कोई लोगो, ग्राफिक ये सब नहीं होना चाहिए, प्लेन होनी चाहिए एकदम। यार अगर ऊपर शर्ट पहनी है तो अंदर ग्राफिक बहुत कम सिचुएशंस में अच्छे लगते हैं, तो मेरी बात मानो कि अभी आप वो अवॉइड ही करो। अब आते हैं कि ऊपर की जो शर्ट है उसको शॉर्ट स्लीव में लें या लॉन्ग स्लीव में लें। देखो अगर आप थोड़े से चबी हो और आपकी आर्म्स थोड़ी सी मोटी है तो डेफिनेटली शॉर्ट स्लीव में लो आप, ताकि उसमें आपकी ऐसा लगे कि हाथ मस्क्यूलर। और हाँ अगर शॉर्ट स्लीव पहन रहे हो तो अंदर आपकी जो टी शर्ट होनी चाहिए वो कट स्लीव की होनी चाहिए। और यार अगर आप स्किनी हो तो आप लॉन्ग स्लीव वाली ही लो और उसके ना स्लीव को फोल्ड कर लो ऊपर की तरफ और अपने फोर आर्म्स दिखाओ, बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे फैट ब्रोस के लिए फैशन टिप्स भी आएंगे अगर 4000 लाइक्स करवा दोगे तो। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका साइज क्या ले। देखो अगर आपको एक नॉर्मल फिटिंग चाहिए और आपको पता है कि आप उस शर्ट को सिर्फ खोल के ही पहनोगे हमेशा, तो ना अपने नॉर्मल साइज से एक साइज छोटा भी ट्राई करके देखना। मैं जनरली लार्ज पहनता हूँ, लेकिन मैं जब लेयरिंग कर रहा होता हूँ शर्ट की तो उन शर्ट्स को मैं मीडियम में लेता हूँ, उससे क्या होता है कि आप थोड़े ज्यादा मस्कुलर दिखते हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल करना है तो आप एक थोड़ी सी लूज शर्ट ले सकते हो, जिसको बॉक्सी फिट कहते हैं, वो थोड़ी सी ओवरसाइज लगेगी। अब उस शर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यार ये होनी चाहिए आपकी टी शर्ट के जितनी ही, ऑलमोस्ट बेसिकली आपकी वेस्ट से थोड़ा सा नीचे तक आए, 1-2 इंच नीचे तक। अगर स्ट्रीट स्टाइल कर रहे होगे तो वो आप थोड़ी सी और लंबी ले सकते हो या फिर और थोड़ी सी छोटी भी ले सकते हो, थोड़ी सी बॉक्सी फिट के लिए। यार किसी भी शर्ट को लेयर करने के लिए ना आपको बस एक व्हाइट टी शर्ट, एक ब्लैक टी शर्ट, बेज या ग्रे चीनोज, नेवी चीनोज और व्हाइट स्नीकर्स, बस ये चाहिए। मतलब सिर्फ अगर आप व्हाइट टी शर्ट, बेज चीनोज और व्हाइट स्नीकर्स भी ले लोगे ना वो बहुत है, और ये वैसे भी ना बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हर एक के पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कि आप कौन से टाइप की शर्ट को कैसे लेयर करना है, मतलब कि स्टाइलिंग वाला पार्ट। सबसे पहला भाई प्लेन शर्ट्स, मतलब सॉलिड शर्ट्स, मतलब जिसमें कोई भी डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे पापा ऑफिस पहन के जाते हैं ना वैसी फॉर्मल शर्ट एकदम। आपकी प्लेन शर्ट जिस भी कलर की हो, अंदर भाई व्हाइट टी शर्ट पहनो प्लेन एकदम। अब अगर आपकी शर्ट का कलर ब्लू की कोई शेड है या ग्रीन की कोई शेड है या रेड की कोई शेड है तो आप पहनो साथ में बेज या ग्रे चिनोज और साथ में व्हाइट लेदर स्नीकर्स पहन सकते हो आप। अगर आपके शर्ट की जो कलर है वो येलो की कोई शेड है या फिर ग्रे की कोई शेड है
तो आप साथ में पहनो नेवी चीनो। अब अगेन यहाँ पे भी आप स्नीकर्स व्हाइट लेदर वाले पहन सकते हो लुक को थोड़ा सा मिनिमल रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए। यार अब क्योंकि ना सब कुछ प्लेन प्लेन है बहुत, तो आपको एक्सेसरीज अच्छे से पहननी है। एक मिनिमल वॉच पहन लो, एक रिंग पहन लो, एक ब्रेसलेट पहन लो और एक सिंपल सी चेन पहन लो। अगर आपको ये स्टाइल ट्राई करने के लिए कोई अच्छी प्लेन शर्ट खरीदनी है तो लिनन फैब्रिक की खरीदना चाइनीज कॉलर के साथ, और कलर होना चाहिए थोड़ा सा पेस्टल सा कलर, थोड़ा सा हल्का सा कलर। मैंने कुछ अच्छे लिंक्स डाल दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है शर्ट्स में पहनने के लिए, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट है ब्रो, प्लाड चेक्स या गिंगम शर्ट्स। अरे प्लाड मतलब कि वो जो बड़े वाले चेक्स होते हैं, और गिंगम मतलब कि वो जो पतले पतले वाले चेक्स होते हैं ना, जैसे किचन में कपड़ा यूज होता है पोने से। अब यहाँ पे सबसे आसान है कि आप अंदर व्हाइट कलर की ही टी शर्ट पहन लो, लेकिन वैसे आप अंदर उस कलर की भी टी शर्ट पहन सकते हो जिस कलर के आपकी शर्ट पे चेक्स बने हुए हैं। अब अगेन अगर आपके चेक्स का कलर ब्लू की कोई शेड या रेड की या ग्रीन की कोई शेड है तो आप साथ में बेज या ग्रे चिनोस पहनो, और अगर उनका कलर ग्रे या फिर येलो की कोई शेड है तो आप साथ में नेवी चिनोस पहनो। अब स्नीकर्स का कलर वही होना चाहिए जो आपने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, और साथ में एक्सेसरीज को एकदम मिनिमल ही रखना। नेक्स्ट शर्ट जिसको आप लेयर कर सकते हो वो है पैटर्न शर्ट। यार आपने समर आउटफिट्स वाला वीडियो देख के अपने लिए पैटर्न वाली शर्ट्स तो ली ही होंगी, आप उनको भी लेयर कर सकते हो। और यार पैटर्न शर्ट्स में ना आपके एक्चुअली जो पसीने के जो स्टेन बन जाते हैं ना वो भी कम दिखते हैं। यार अगर शर्ट का कलर डार्क है और उसके ऊपर कुछ कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं भारी भारी से, तो आप जो अंदर टी शर्ट पहनोगे वो किसी भी एक कलर वहां से उठा सकते हो जो आपकी शर्ट पे, साथ में बेज या ग्रे चीनोस, और जो नीचे शूज पहनोगे वो सेम कलर के होने चाहिए आपकी टी शर्ट के। यहाँ पे एक्सेसरीज भी आपको अपनी टी शर्ट के कलर से ही मैचिंग रखनी है। अब अगर शर्ट आपकी लाइट कलर की है तो आप अंदर व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनो, नीचे लाइट ब्लू कलर की डेनिम्स और नीचे व्हाइट कैनवस स्नीकर्स। यानी यहाँ पे एक्सेसरीज बहुत सिंपल होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी शर्ट पे बहुत भारी भारी डिजाइन है, तो आप साथ में पहनो एक विंटेज वॉच, एक दो रिंग हो गए, एक ब्रेसलेट हो गया और एक नेक चेन हो गई। नेक्स्ट शर्ट है डेनिम शर्ट, जिसको बिल्कुल डेनिम जैकेट की तरह आप कैजुअल और स्ट्रीट स्टाइल में पहन सकते हो। अगर कैजुअल तरीके से पहननी है तो अंदर पहनो व्हाइट टी शर्ट, साथ में चीनोज आपका जो कलर का मन करे वो पहन लो, और साथ में नीचे व्हाइट स्नीकर्स। एक्सेसरीज यहाँ पे सारी ब्लैक और सिल्वर टाइप की ही रखना। अगर स्ट्रीट स्टाइल में पहननी है तो अंदर ब्लैक टी शर्ट पहनो, नीचे जो जीन्स पहनोगे वो डिस्ट्रेस्ड वाली ब्लैक पहनो, और साथ में जो नीचे शूज होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के रखना। साथ में एक्सेसरीज से आप कॉन्ट्रास्ट लाओ अपनी आउटफिट में सिल्वर एक्सेसरीज पहन के। तो यार लेयरिंग जरूर ट्राई करना इन समर्स में, दिस इज बी योर बेस्ट। अगले में मिलते हैं।